हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान, मैं नगांती चौहान, और ये आकाश और विकास चौहान स्वागत करते हैं अपने चैनल सुनील नगांती लाइव ब्लॉग में। वीडियो अंत तक देखिए, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग शाम को 7:30 बजे से शुरू कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग में आप लोग को दिखाएंगे नगांती जी क्या क्या खाना बना रही हैं। ये खाना है जी? खाना है। क्या देख रही हैं? अच्छा, ना ना। तो चलिए दोस्तों, खाना तो है सुबह का, उसी को गर्म करके खाएंगे और कल ढेर सारा पकवान बनाने की सोच रहे हैं, वो सब दिखेगा वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी ना ये जो बालू निकाले थे हम लोग, इस पाया से उस पाया तक जोड़ने के लिए, क्योंकि ना अभी इधर से बारिश वरिश आएगा तो इधर भी पानी आएगा। तो नगांती जी कह रही कि नहीं रहने दीजिए ना नगांती जी, क्योंकि फायदा नहीं है जोड़ने से। देखिए दोस्तों, ये कैसे है, ये वाला जो था ना, यहाँ पे सीढ़ी लगा के सब्जी तोड़ने के लिए व्यवस्था बनाए हैं। तो इस तरीके से पैक करने की सोच नहीं रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे। जैसे ये दरवाजा है ना नगांती जी, यहाँ पे भी एक पतला सा दरवाजा लगाने के ना, हम आकाश इसी में सोएंगे, क्योंकि कभी कभी पता है कितना पार की थी कि यहाँ पे पंखा लगा देंगे तो इतना सुंदर पंखा का दे रही है। हां, लेकिन खोल अंदर आता हूं, हम सुधा लगा लेंगे, इतना मस्त मिल रहा है। हम आकाश कुछ बोल रहा है, सोच रहा है कुछ बोलने का। हां, मां देख। नहीं बेटा, यहाँ पे सुनो, मैं क्या बनाने वाला हूँ यहाँ पे, इधर आकाश सुनो। यहाँ पे आप लोग को 3-5 कुर्सी खरीदे थे ना, ठीक है, यहाँ पे यहाँ देखिए, दिशा का भी कुछ मतलब होता है का पढ़ने लिखने की, पूर्व दिशा में करके पढ़ना चाहिए, कौन सी, पश्चिम दिशा में, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी बहुत जगह है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ सोच रहा हूँ कि एक ब्रेंच सी बनाऊं, नहीं तो खरीद के ही, हाँ लिया जाए खरीद के छोटा, हाँ यहाँ पे लगा दिया जाए और एक पंखा लगा दिया जाए छोटा सा, यहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़े, क्योंकि देखिए स्कूल में तो अपना रहते ही हैं, पढ़ते हैं दिन भर अपना, ऑक्सीजन की आई है प्राकृतिक हवा, जो ऑक्सीजन है ना शरीर को एकदम स्वस्थ रखता है, ये हकीकत है एकदम। तो जब तक खाना हम लोग बनाएंगे, आप टाइम से इसमें पढ़ोगे, पंखा लगा ही रहेगा, उसके बाद गेट बंद किए अपना चले गए, अपना साथ में फैमिली के साथ सोए, कितना अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हम ये सोचे हैं, और बाकी जो भी हम लोग नगांती जी जो कपड़ा वपड़ा धोने की व्यवस्था सोची है, तो ये जो फर्श कर ही रखे हैं, तो ये कितना बड़ा है, ठीक है। तो सब चीज में ये नुकसानदायक तो है ही नहीं, कितने आदमी सोच रहे होंगे सुनील भाई जहाँ मिलता है वहीं जोड़ देते हैं और खड़ा कर देते, हमारे गांव के लोग भी कर रहे थे। तो मैं ये सब सोच के बनाया हूँ, यहाँ पे खूब बढ़िया फर्श है ना जी नगांती जी, तो कल पे धोती है ना तो पूरा उधर किचन तक पानी पहुँच जाता है। यहाँ पे इधर से पाइप अपने लिया कि इधर से भी चाहे पीछे से अपना धुल सकते हैं, जैसे हम लोग 5 आदमी हैं, आ खास करके बच्चों का कपड़ा तो रोज ही गंदा हो जाता है स्कूल में, तो जितने साफ सुथरा बच्चों को रखेंगे उतने हमारा गांव जीवार और स्कूल से तारीफ मिलेगा कि हम बच्चों को साफ सुथरा रखते हैं, और साफ सफाई तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना नगांती जी। हाँ, मसाला बनाएंगे, प्लास्टर कर देंगे, हाँ उतना कर देंगे सबसे बढ़िया रहेगा, और थोड़ा 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 इधर ना जो ईंट बचा है उसको बिछा के उस पर भी टिपकारी कर देंगे, कैसा रहेगा। तो उससे क्या होगा नगांती जी, जैसे बारिश आएगा ना तो मिट्टी तो के नहीं आएगा, 3 मीटर लगी जैसे हो दौले से लेके, हाँ हल्का हल्का टिपकारी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बाकी पैक करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ना होगा तो वहाँ से ना पर्दा लगा दीजिएगा कोई चीज की, बाकी तो हमारा गाँव जवार में एकदम सब अपना आदरणीय है, हर एक आदमी एक दूसरे की भलाई ही चाहता है, इस तरीके का हमारा गांव है, आ भगवान जी की इच्छा से हमें यहाँ पे जन्म हुआ है ना जी, तो बहुत आभारी है इनकी। और बाकी तो इंसान है, थोड़ा बहुत होता रहता है, तो अलग की बात है ना नगांती जी, हाँ लेकिन हम लोग अपने मिलजुल कर रहते हैं, ये एकदम हकीकत है, और बहुत आभारी हैं, क्योंकि एक समाज बहुत मायने रखता है, आदमी की खुशियाँ कहाँ से प्राप्त होती है, एक समाज से, समाज एक घर में कोई खुशी होती है तो वहाँ पे जाके हम लोग इंजॉय करते, यही ना होता है, नहीं तो अगर हम अकेले अपना एक ही घर में पढ़ रहे तो हमें लगता है कि हमें तो कोई ना जी,
तो इस तरीके से एक समाज बनती है। आ बहुत हम लोग का गांव में ऐसा है, हम एकदम खुश रहते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। तो आज मौसम भी ठंडा था, खाना तो खराब होने का मतलब ही नहीं है ना जी। अच्छा हाँ, वो उस टाइम बनाए थे जब मम्मी आई थी। तो फिर देखिए क्या सब्जी का लूप बनाया, उस टाइम बहुत टेस्टी लगा। रेसिपी तो नहीं दिखा पाए दोस्तों आपको, थोड़ा चावल बनाना पड़ेगा। अच्छा है ना, हाँ तब तो मस्त है। आज रेसिपी के तौर पर पनीर बनाई थी, दो तीन भिंडी है, आलू है। तो आपके पास फ्रिज है ना गांधी जी, पनीर क्या चीज़ से बनता है थोड़ा रेसिपी के तौर पर सीख लीजिए ना। तो आपके रेसिपी के तौर पर हमारा यूट्यूब, हाँ तो हमारा यूट्यूब फैमिली उससे कुछ सीखेगी। आप एक बार इस्तेमाल करिए, पहले कोशिश करिए बनाने को, हैं आप फिर वीडियो बनाइएगा कि किस तरीके का हमने ये बनाई है। तो हर एक घर में हमारे यूट्यूब फैमिली के फ्रिज रहता है, तो वो भी बना सकती हैं। क्योंकि दूध जो अपना खुद ले आएंगे तो उसमें अपना एकदम फ्रेश पनीर रहेगा, है कि नहीं। अब बाकी बेचने वाला चीज़ बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत मिला ही देते होंगे, हाँ। लेकिन फिर भी अगर उससे स्वादिष्ट लगता है, आकाश से पूछेंगे और हम लोग खुद खा के टेस्ट करेंगे, तो हमारा यूट्यूब फैमिली खुश। अच्छा जो दूध खराब हो जाता है उससे पनीर बनता है, तब तो बहुत बढ़िया चीज़ है। 400 रुपया के जी है बताइएगा, 400 400 500। अच्छा अलग अलग क्वालिटी का, तो आप एक बार कोशिश करिए, कोई नहीं तो सब धीरे धीरे होगा। अभी सब कुछ कहने से नहीं होता है, तो ज़रूरत पड़ेगा तो हम अपना गैया मैया भी रखेंगे। क्योंकि हम 5 परिवार हो रहे हैं, अपना पढ़ लिख के आएंगे तो हमारे बच्चे भी चढ़ा सकते हैं। हम इतने प्यार से अपने रखते हैं कि कोई चीज़ ही दिखते नहीं है, हैं। हाँ उसी तरीके का गाय रखेंगे तो हमारे बच्चों को भी पहचाने के, मैंने एक नहीं होता कोई मिल गया कि ये लोग मार हम लोग परेशान, तो उस तरीके से आ नहीं तो चलिए खाना गरम कर देते हैं। देख सकते हैं अभी हम अपने बच्चों के लिए क्या लेके आए हैं उचित रेट में। कितने का लाए थे ये? 100। हाँ, और इससे क्या होगा कि सुबह सुबह अपना इलाका भी दूध नहीं आ पा रहा, क्या दिक्कत है? मैंने ये हो गया टाइम ज़्यादा हो गया ना, हाँ। क्योंकि उन्हीं से हम लोग उचित रेट में ले आते थे और जो भी अपना पैसा लेट सेट होता था दे देते थे, तो इसीलिए कहीं और उठाना नहीं कर रहे। तो फिलहाल के लिए तो इसको चाहे एक काम कर देता हूँ, मेरे पास 100 रुपया है, एक डिब्बा आता है वो जो दूध वाला पाउडर वाला 240 रुपया का है, उससे छोटा वाला 100 रुपया का बता रहे, तो वो ले आइएगा गर्म पानी करके जब तक वहाँ से दूध नहीं मिलता। क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चों को ये सब इस्तेमाल कराएंगे ना, तो कन इसी रहता है माइंड में, मैंने पढ़ने लिखने में, तो छोटे छोटे सामान के लिए अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है ना जी, बच्चे एकदम खुश रहेंगे। और ये सुबह सुबह अच्छा रहता है कि शाम को? हाँ सुबह हाँ, उससे ये सबसे बढ़िया चीज़ है, सही कह रहे हैं। और उसी पैसा को हम लोग इकट्ठा करके अगर ये हर एक महीना खरीद के लिया के अपना उनको इन्वेस्ट करते शरीर में, थोड़ा तेज बोलिए इसमें आवाज नहीं आ रहा होगा। हाँ सबसे बढ़िया है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि बाप रे बहुत परेशान हुए ना गांधी जी, धीरे धीरे कितना हो गया था, नहीं आएगा यूट्यूब पेमेंट तो भाई जहाँ से खाएंगे तो देना पड़े, बड़ा दिक्कत हो जाता है ना। दो पैसा आने का 2 महीना 3 महीने पूरा है, 3 महीने में 3-4 दिन मतलब। अच्छा जो भी है वो अच्छे आदमी, वो अपना जब भी होता है तब भी। अच्छा चलिए अभी इधर देख सकते फोन लेके अपना दोनों भाई कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, अभी बीजी अपना काम बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे, हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो अभी देख सकते हैं सुबह सुबह का मौसम, बहुत तेज धूप उगा है, 10 करीब बज रहा है। लेकिन अभी ना लील गाय इधर पता नहीं रात को किधर से आके सब मकई तोड़ दी थी, तो उसका बाल जो भी
थोड़ा बहुत गुटाया था उसको निकाल कर नगानती जी रख के और डाँठा गैया मैया को लगा दी है, दे दिए कि इसको इस्तेमाल में आ जाए। और देख सकते और बालू उठा के इसमें रख दिए हैं, और ये वाला बालू से ना कुछ यहाँ पे बनाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो बना है जिस कारण के लिए बन रहा था ई रिक्शा इसमें स्टैंड होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ करने के लिए पैसा चाहिए, तो जो भी हम लोग इसको बनाए हैं इन्वेस्ट किए हैं इसमें, देखिए शुरू से हमारे साथ ब्लॉग द्वारा क्या होते आया है। कोई भी जैसे हम लोग तो नए नए यूट्यूबर थे, ना कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे ना कुछ, तो जिस तरीके से हमारा कमेंट आता था, जिस तरीके से हमें कोई हेल्प करने के लिए नंबर मांगता था, हमें नहीं पता था कि उसमें नंबर देना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे बहुत जगह नंबर बढ़ चुका है। तो आप लोग भी कोई सलाह दीजिएगा, इस नंबर को तो चेंज कर देंगे, क्योंकि यूट्यूबर शायद जो अपना वीडियो बनाते हैं ना उन्हीं से रिलेशन रखते हैं, अब बाकी दूसरे आदमी से डिस्टर्ब होता है। जो भी वीडियो बनाएंगे हमारा ब्लॉग अच्छा ग्रो करे, अच्छा ग्रो करेगा तो इससे बहुत पैसा आ सकता है, और उस पैसा से हम हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके को उस पैसा को इस्तेमाल करते हैं। हमारा दो दो तीन तीन महीना होता है तो YouTube पेमेंट आता है, वो भी 9, 10, 11 लास्ट आया है, आप लोग को बताया अभी तक ना गांधी जी के एक बार आया था 18,000 रुपया लास्ट अर्निंग, यानी सबसे ज़्यादा वाला अर्निंग है 18,000 रुपया। उसके बाद हद से हद 11, 12 इसी के आसपास आता है, वो भी दो दो तीन तीन महीना हो जाता है। अब मेरा शरीर तो देखती है ना, कभी स्वस्थ रहता हो ना कुछ, और ख़ास करके जो दिमागी समस्या है तो कितना भी कोई चीज़ की अगर टेंशन ले लूँ तो लोड नहीं लेता, मैं घबराने लगता हूँ, इसके पहले वाले ब्लॉग में बताया था। तो ये सब स्थिति है, आप लोग कमेंट में बोले थे कि सुनील भैया आप ई रिक्शा लाओगे कह कह के दिमाग एथी कर दिए हो, तो क्या करें दोस्तों, हमारा कहीं उस पर तो है ही नहीं, मैं बैंक में भी गया कि अपना अकाउंट पे लोन ले लूँ, धीरे धीरे सधाऊँगा, लेकिन नहीं हो पाता है बहुत, यानी घूम फिर के हम अपने किस्मत से नहीं लड़ सकते, हमारा किस्मत में जब लिखा होगा बस हम अपना कर्म कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, नहीं तो दुनिया में देख रहे हैं अभी जो बाढ़ आया था कितने लोगों का घर दह गया, मैं वो देखता हूँ तो आंसू निकल जाता है दोस्तों, कितने पैसा मेहनत कर करके इन्वेस्ट करके घर बनाए होते हैं, क्योंकि इतने घर बनाने में हम लोग कितना परेशान हुए, कितना यूट्यूब में क्या क्या हम लोग बनाए, थोड़ा बहुत झूठ भी शायद वीडियो में दिख जाता है, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं कि हमारा यूट्यूब फैमिली हम पे खुश रहे, एकदम देखे कि हम आज जो ब्लॉग बनाए हैं उससे एकदम सुंदर कल ब्लॉग बनाए, कि हमारा यूट्यूब फैमिली और जुड़े हमें सपोर्ट करें। तो हम दोनों आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसके किस्मत में क्या लिखा है, कि जिसके किस्मत में जो भी लिखा होता है वही प्राप्त होता है, बाकी उससे अलावा अगर कोई प्राप्त करने की सोचे तो उसे शायद किस्मत से लड़ना कहते हैं, किस्मत से आज के ज़माने में कोई नहीं लड़ सकता, ये हकीकत है। क्योंकि हम लोग अगर जो भी पैसा अपना यूट्यूब से आया है, जैसे शुरू में देखे थे एक एक गेहूं का बाल ढूंढ ढूंढ के अपना घर का खर्चा चलाए थे, हमारे YouTube फैमिली हमें कमेंट द्वारा कहा सुनील भैया आपके घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं सपोर्ट करना चाहती हूं, कुछ हेल्प करना चाहती हूं, आप तो कमेंट में सब देखे ही होंगे, तो मैं एक सोचता कि चलिए जी कोई भी किसी को सपोर्ट करता है भगवान जी की कृपा से सपोर्ट करता है उन्हीं की मर्ज़ी से, कि आगे उनके जीवन में कोई खुशियाँ दे रहा है तो उनके जीवन में भी ढेर सारा खुशियाँ मिले। तो यही सब बचपन से हम लोग सीखते आए हैं, लोगों जो सिखाए हैं, और कि हाँ जी कोई भी अगर सपोर्ट अपने मर्जी से करना चाहता है तो उसको इनकार करना, यानी तुमको अपना घमंड दिखाना है कि हम कोई चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है तो आप मना कर रहे हो, तो ये भी सब सोचने वाली बात है। और बाकी हम लोग एकदम खुश हैं, इतना से इतना हुआ, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ होगा। और रही बात ई रिक्शा का, तो दोस्तों ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि किसी ने भी बोला था, आपसे बता नहीं सकते कि आप इसको रख लो, लेकिन देख रहे हैं स्थिति व्यूज के रूप में, काम के रूप में, शरीर के खास करके रूप में, शरीर स्वस्थ रहे तो बहुत सारा करेंगे, लेकिन मेरा जो अभी स्थिति है आपको चलिए पहले दिखाता हूँ दवा। ये देखिए दोस्तों दवा, ये आप इसको पढ़िएगा क्या है, कभी कभी इसको मेरे को दो लेना पड़ रहा है तब नींद आ रहा है, एक में काम भी नहीं पड़ रहा, तो इस तरीके का मेरा माइंड हो चुका है, देख सकते हैं आप पढ़े होंगे इधर से, रुकिए मैं साफ करके दिखाता हूँ कौन सी है, तो इस तरीके का भी मेरा स्थिति है, बताइए इस तरीके का स्थिति है।
तो मेरा मन किस तरीके का होगा, यानी नींद आने की तो कोई मतलब ही नहीं, इतना परेशान हो गया हूँ शरीर से। एक ब्लॉग बनाया था लेकिन आप लोगों को वो शो नहीं कर पाया, क्योंकि बीमारी और दर्द दुख सही रहे ना तो आदमी कोई भी चीज़ में स्वस्थ रहेगा, यानी एक रोटी कम मिले एक रोटी में खा कर स्वस्थ रहेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। बाकी कितना भी खजाना उसके पास हो और शरीर स्वस्थ ना रहे, उसको भोगने का ही क्षमता ना रहे, तो वो पैसा किसी काम के नहीं, धन दौलत किसी काम के नहीं। तो मैं शुरू से ये सब सोचता आया हूँ, लेकिन फिर भी कई कई लोगों ने लालच चाहत दिला के आदमी को परेशान कर देता। मम्मी कल एक बात बहुत सिखाई थी कि बेटा जितने में हो खुश रहो, अपने शरीर से मेहनत करने की सोचो। आप करते रहोगे शुरू से, इतना मेहनत किए हो, थोड़ा शरीर है, तकलीफ होते रहता है, सबके पास तकलीफ है, तुम ज़्यादा आगे का मत सोचो। आ लोगों ने कह देता है कि चलिए आप ये करो वो करो, हम हैं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है तो हमें पता नहीं है, उतना भी पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत ही है, क्योंकि हमें जितना में है रहना है उसी में खुश रहना है। दो पैसा महीना में कितना हम लोग खर्च है, 5,000 रुपया अगर चाहिए तो महीना का पूरा राशन वासन चल जाएगा। हम ज़्यादा उम्मीद सोचेंगे कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए ये बनाए, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उनके किस्मत में जब लिखा होगा तभी वो हो पाएगा। बाकी एक नहीं होता है कि बड़े घर के लोग कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दे, अगर वो नहीं कुछ बनना चाहते हैं तो क्या होते हैं, अय्यास बन जाते हैं। हाँ जी, वो कितना बड़े घर का लड़का था, ये कर दिया वो कर दिया, तो ये भी सिस्टम है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और आप लोग हमें सपोर्ट करें व्यूज के रूप में, क्योंकि हम ब्लॉग बनाते हैं। इसके अलावा आप लोग को अगर सपोर्ट करना है तो इसमें सुपर थैंक्स दिया गया है। तो ये थी रीजन। अब बाकी एक दो शब्द आपको मुझे पता है कि अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं आप लोग के साथ बहुत गलत कर दिया, क्योंकि हमें कहना ही नहीं चाहिए था। खरीदा जाता तब कहता कि हाँ आज हमने ये रिक्शा खरीद लिया 4-5 दिन से। बाकी मैं आप लोग बहुत दिन से हमें सपोर्ट कर रहे हैं और ये सपोर्ट सबसे प्यारा है। एक एक पैसा का जो भी व्यूज द्वारा आता है उतने में हमें खुश रहना, उसी तरीके से हमें चलना है, तो इसमें खुशी महसूस होगा। हम ज़्यादा आगे के सोचेंगे वो हेल्प कर रहा है ये कर रहा है, उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, दिमाग ख़राब हो जाएगा। और बाकी में ऐसी होते आया है, और कितना भी कोई कुछ कर दे, अब मैं स्वस्थ ना रहूँ कुछ हो जाए तो वो क्या किसी फायदा का नहीं। लोग और कहेंगे कि देखो जी कहाँ से क्या करके ऐसे ऐसे हो गया। तो इस तरीके से हमें नहीं जीना है, हमें जितने में रहना है उतने में खुश रहना है। बाकी भगवान जी से यही प्रार्थना है कि अच्छे आदमी को हमेशा खुश रखे भगवान, और बाकी तो जिसके किस्मत में जितना लिखा होता है वही प्राप्त होता है, बस स्वस्थ रहना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग इतना ही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। एक दो शब्द अच्छा नहीं लगा हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, लेकिन कमेंट में समझा दीजिएगा, उसको हम फॉलो करेंगे। आपको दिखा दिया तो फिर वही स्थिति मेरे साथ फिर हो रहा है। जब भी मैं थोड़ा बहुत कुछ आगे का सोच लेता हूँ कि ये करूँगा वो करूँगा तो कुछ होता नहीं है, और ख़ास करके मेरा तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा मेरे साथ परेशानी होती है। बाकी आप लोग इतना सोच के करिएगा, व्यूज देखिएगा कि किसी गरीब आदमी को सपोर्ट किया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग इतना ही एंड करते हैं।